वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि 2022 का जो पेपर होने वाला है, दो है पेपर बेटा, मैं आपको बता दूंगा, सिंपल तरीके से समझ लेना मेरी बात को। ये पेपर 2022 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी छात्र एमजेपीआरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, जो बरेली से है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूंगा, केमिस्ट्री का पेपर है। पेपर का नाम हो जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, जो बता रहा हूं बस उतना पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। समझ रहे मेरी बात को सभी लोग? ध्यान से समझो मेरी बात को बेटा, सभी लोग ध्यान से समझो मेरी बात को, क्योंकि ये आपको फॉलो करने की बात है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो अभी आप पेपर हैकर को सब्सक्राइब करिए फटाफट, ठीक है? और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आपका भाई बहन कोई भी है उन्हें सबको बताओ कि पेपर हैकर को सब्सक्राइब करो। आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं जो पेपर में आते हैं, ठीक है? अब यहां ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहां बोला गया है हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, पहली बात है हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, ठीक है? और हाइड्रोजन बॉन्ड को इफेक्ट, मतलब कि आपको इफेक्ट पर, आपको अब हाइड्रोजन बॉन्ड में कुछ आपको प्रभावित प्रभाव तो देखने को मिला होगा, उसके प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड का सिद्धांत, ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, आप समझ लेना वीडियो को देखकर एक बार में समझ जाओगे। उसके बाद में ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे कहते हैं वाल्डर वाल्स वल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एमओटी जिसे हम मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे हम हिंदी में इन्हें बोलते हैं आणविक कक्षीय सिद्धांत, ठीक है? अब इसमें आपसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोलता है, कहता है बेटा सुन लो मेरी बात, कहता है बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ। आपसे देगा कि CO2 का या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए एमओटी थ्योरी से, ठीक है? एमओ थ्योरी से बोल दे, एमओटी थ्योरी से, ओके? अब आप क्या करेंगे, वही स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका, ठीक है? दोनों अच्छी तरीके से आप समझ लेना, हमने इसका ऊपर वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। उसके बाद में आप इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सिग्मा और पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है कोई जरूरत नहीं है, नहीं देखने की पड़ेगी, क्योंकि हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना। इसे कहते हैं BSEPT थ्योरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको रट के जाएंगे। आवर्त सारणी के नियम पढ़ लेना, बाकी सब छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं और विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, ये दोनों पढ़ लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी मैं छुड़वा रहा हूं, देखो बहुत कुछ छुड़वा रहा हूं जो आपके पेपर में बिल्कुल ही नहीं आएगा, वही बता रहा हूं जो पेपर में छप रहा है। आप ये संक्रमण हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ लेना, हाइब्रिडाइजेशन तीन प्रकार के देखने को मिलेंगे, एसपी संक्रमण, एसपी2 संक्रमण, एसपी3 संक्रमण, ठीक है? और प्रेत इफेक्ट को छोड़ देना है आपको। यहां कार्बन बेंजीन बनाने की विधि आप पढ़ सको तो पढ़ लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद में आप नीचे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे, प्रकाशीय सममिति, ठीक है? और आपसे त्रिविमीय सममिति और ज्यामितीय सममिति, इन तीनों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा लॉन्ग में, याद रखना ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है? लैक्टिक अम्ल बनाने की विधि और टार्ट्रिक अम्ल बनाने की विधि एक बार पढ़ लेना, ज्यादा बार नहीं कहूंगा, बस एक बार पढ़ के जरूर जाना है। उसके बाद में नीचे चले जाना है, फजान के नियम को पढ़ लेना है, फजान का नियम रट लेना मेरी बात को, ध्यान से समझ लेना, फिर मत कहना कि मैं ऐसा हो गया, 100% ये पेपर में आ रहा है, ठीक है? और निक्षेप विन्यास छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़िए। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं, ये पढ़ेंगे आप सभी लोग, कंप्यूटर के भाग के कितने होते हैं, ठीक है? ये पढ़ेंगे। और इनपुट आउटपुट तो सभी लोग जानते होंगे, इनपुट आउटपुट जानते हो नहीं जानते हो मुझे बताओ फटाफट, इनपुट और आउटपुट जानते हो? इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस, ये सभी जानते होंगे, दबा के पढ़ लेना बेटा, दबा के अच्छी तरीके से। अब यहां देखो, उसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, अफवाह का सिद्धांत, अफवाह का सिद्धांत रट लेना, अफवाह का सिद्धांत, ठीक है? और उसके बाद में ये पढ़ लेना एसपीडी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, एस का गोल होता है, ठीक है? समझ रहे हो? और पी का कैसा होता है, पी का कैसा होता है, डबल डोल होता है, ठीक है? सिंगल ऐसे करके ऐसा होता है, ऐसा होता है ये वाला, ये
ठीक है, ये होता है पी का, और डी का कैसा होता है उसको आप देखेंगे, दोनों अच्छे तरीके से देखा, डबल और डबल वाले पी, इनके दोनों की आकृति को देखना है, ठीक है, डी वाले कैसा होता है। उसके बाद में क्या कह रहा है, आनन ऊर्जा, आनन ऊर्जा, आनन विभव भी बोलते हैं, आनन ऊर्जा को आनन विभव के नाम से भी जानते हैं, ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में आता है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बॉन्ड एनर्जी, मैसोमेरिक इफेक्ट, मैसोमेरिक इफेक्ट की परिभाषा पढ़ के जाना, मैसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मैसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, और प्रेरित इफेक्ट, प्रेरित इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं, अच्छी तरीके से इनको रट के जाना। उसके बाद में नीचे जाइए, खत्म 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 हो गया भाई, यही क्वेश्चन आ रहा है पेपर, बस एक क्वेश्चन ये देख लेना, अतिसंयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन किसे कहते हैं, पढ़ लेना बेटा, पढ़ लेना इसको, और एक फ्लाइंग बैच सूत्र के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, कार्बनिक संरचना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नायी, और देखो इलेक्ट्रॉन स्नायी अभिकर्मक, नाभिक स्नायी अभिकर्मक, दोनों को पढ़ लेना, बाकी बहुत क्वेश्चन छुड़वा दिए, समझ लो पेपर में कम से कम 15 से 20 से 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, समझ रहे हो मेरी बात, समझ लेना, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, और आराम से एक एक क्वेश्चन, डबल टॉपर है यार, देखो टॉप करना है ना, टॉपर बन रहा है 2022 का, तो आपको ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ कह रहा है देखो, बिगर ना मेरा नेमत की मेहनत की कुछ नहीं मिलने वाला, एक ये देख रखना, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का समरूपण, आपसे कुर्सी या फिर नौका, नौका का मतलब होता है नाव के आकार का, और कुर्सी का मतलब चेयर के आकार का, ठीक है, इनके आपका हेक्सेन का एक समरूपण बनता है, उसको देख लेना, बस इतने क्वेश्चन देखने हैं जो आपके पेपर 2022 में छप रहे हैं, समझ रहे हो, जो 11 तारीख को पेपर होगा आपका ये, ठीक है, केमिस्ट्री का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों, याद रख लेना, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को तो आप जानते होंगे, व्हाट्सएप नंबर है 7037, ठीक है, 32 और 78 और 38, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर फोटो भेजेंगे, जो भी आपका पेपर होगा उसका फोटो खींच कर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है, फटाफट, ओके, और कोई भी दिक्कत आ रही है कहीं से कहीं तक तो हमें कॉल जरूर कर लेना, कोई भी समस्या आ रही है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी।